Tutte mano stanno tu! E un se giotta craiga! Vieni craiga! E un se giotta craiga! Vieni craiga! Varad pataki! Varad pataki! One day! Matram! One day! Matram! Vamola! Triste! Matram! One day! Matram! Varis patan murdava! 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 Varis patan murdava! 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 Katare! Katare! Varis patan katare! Katare! Vai katare! Varis patan katare! Katare! Vai katare! Varis patan katare! Murdava! Murdava! Varis patan murdava! 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 Varis patan murdava! Ringala! Ringava! Ringava! ऐसा है कि ये बयान बिल्कुल बचकाना है और ये पूछते हुए दिए का तिमतिमाना जो होता है ये उस तरह की हरकत है। अपने अस्तित्व को बचाने के लिए वारिस पठान जी ऐसे बातें कह रहे हैं। देखिए, जो जनतंत्र वारिस पठान जी को लगता है वो जनतंत्र ये नहीं है। जनतंत्र वो है जो देश की संसद में चलता है और वहाँ जो कानून पास होता है उसी का पालन करते हैं। कभी देश के संसद में हमारे 2 सांसद थे और कांग्रेस के 400 थे। उस समय जो कानून पास हुए हमने उसका पालन किया। आज हमारी बारी है और हमारे समय ये सारे जब कानून पास होते हैं तो उसको मानना आपके लिए भी जरूरी है। नेता ने पहले बार थोड़ी कहा है, ये तो उनकी परंपरा है देश के विरुद्ध बोलने की, देश के विरोध में काम करने की। आपने देखा होगा दूसरे ओवैसी ने कुछ साल पहले एक बात कही थी, 15 मिनट हमको दो हम पूरे हिंदुओं को तबाह करके दें। थोड़ी भाषा अलग होगी लेकिन मीनिंग तो वही था। उस वक्त भी किसी ने कुछ नहीं कहा। सीनियर ओवैसी ने हिंदू देव देवताओं के बारे में कितने बार गलत कहा, ये वीडियोज अवेलेबल है। जिस भाषा में हम सोच भी नहीं सकते उस भाषा में ये लोग बात करते हैं। इनका इतिहास अगर देखो, रजाकारों का इतिहास है हैदराबाद का। जब हैदराबाद भारत में विलीनीकरण का जो बात आई थी तब की बात है, तभी भी उन्होंने देश विघातक काम किया था। तो MIM ये देश विघातक पार्टी है, मैं बहुत जिम्मेदारी से बोलता हूँ। क्योंकि अगर उस वक्त आपने देखा होगा TV पर वो लड़की पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा दे रही थी, तब जाके ओवैसी उसको जाके रुकाने का नाटक कर रहे थे। लेकिन उसके पहले कुछ मिनट जब वारिस पठान गलत बात बोल रहे थे कि 100 करोड़ हिंदुओं को भारी पड़ेंगे, तब ओवैसी वहां जाकर उनको रोक नहीं सके या उनको रोकने का कोई उनके मन में नहीं था। इसका मतलब इस सभी चीज को उनकी मुख सम्मति थी। ऐकायचे माजी आमदार वारिस पठान, त्याला वारिस पठान ना बोलता लावारिस पठान म्हणून त्याला वक्तव्य बोललं पाहिजे। त्याच्या वक्तव्याचा जाहीर निषेध। सन्माननीय मुंबईचे सर्व आम्ही भारतीय जनता युवा मोर्चा म्हणून त्याचा निषेध करतो। हे वक्तव्य उच्च धर्म म्हणून नाही पण एक माणूस म्हणून तरी त्याला हे असं बोलता यायला नाही पाहिजे होतं। माणूस म्हणून आपण काय आणि जातीपातीचा कुठलाही जात धर्म हा पक्ष न पकडता हे त्यांनी चालू केलं आहे। नक्की हा वारिस पठाण भारतातला आहे की पाकिस्तानामधला आहे हेच आता आम्हाला संशय घ्यायचा प्रयत्न आम्ही करतोय। कारण का हा जर भारतातला असता तर ह्यांनी असं वक्तव्य नाही केलं असतं। आणि ओवैसीने सर्व खानदानांना मला एक गोष्ट सांगायची, आज सांगतोय तर तुम्हाला उत्तर मोर्चाने मोर्चाला उत्तर देत आहे। ह्या पुढे जर नादान गोष्टी प्रयत्न तुम्ही केलात तर शस्त्राने शस्त्राला उत्तर दिल्याशिवाय आम्ही राहणार। काँग्रेस पार्टी के भी जो आपने मालवणी का जिक्र किया, वो मालवणी के भी अंदर वो जो कार्यकर्ता है वो किसके करमुख से पलता पड़ा है, ये सिर्फ देश का माहौल बिगाड़ने का एक काम है। भारत का अंदर जितना हिंदू यहाँ पर आक्रोशित है इस बयान के ऊपर, उतना ही इस देश के अंदर देश के ऊपर प्यार करने वाला
मुसलमान भाई भी ये भी ओवैसी भाइयों के शब्द से आक्रोशित है और उनको चेतावनी देता है कि मुस्लिम 15 लाख उनके बाप की जागीर नहीं है, अगर 15 करोड़ उनके बाप की जागीर नहीं है, देश को सच्चा मुसलमान प्यार करने वाला ये हिंदुस्तान की धरती पे जन्म और ओवैसी को मैं चेतावनी देना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ युवा मोर्चा मैदान में उठना है, ये अभी देश का एक एक नौजवान आपके विरुद्ध में उतरेगा, इस तरह से भाईचारा अपने देश का बिगाड़ने का अगर हम काम करेंगे तो आज ये मोर्चा यहाँ पर निकाला है, आने वाले दिनों के अंदर भाई कला में उनके घर के अंदर हम मोर्चा निकालेंगे। मुंबई पुलिस कार्रवाई करे न करे, कार्रवाई करना चाहिए, क्योंकि वारिस पठान ये दो गांव के बीच में झगड़ा लगाने का काम कर रहा है, वो चाहता है कि जिस तरह से कुछ लोग देश में सड़कों पर उतरे हैं हिंदुओं के खिलाफ वक्तव्य देने से मामला और गर्म हो और देश में इस तरह की अव्यवस्था पैदा हो, वारिस पठान हो या ओवैसी हो, ये सारे लोगों को इस तरह के वक्तव्य देने की अब आदत पड़ गई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस तरह का वक्तव्य देने से और हिंदुओं को चुनौती देने वाला कोई भी वक्तव्य होगा उसका निंदा ही नहीं करेगी, उनको चुनौती भी देगी, तुम जिस तरह से भी इस देश के सीए को तुमको मानना पड़ेगा, सीए कभी वापस होने वाला नहीं है और इस देश में जो भी पाकिस्तान के अल्पसंख्यक आएंगे उनका स्वागत होगा, उनको नागरिक बनाया जाएगा।